मिसाल है, एक आदमी बेचारा परेशान हाल है, मुफलिस है, अच्छे हालात में नहीं है, परेशान बैठा है। अचानक ही इसको फोन आ जाता है, रिंग होती है, उठाता है टेलीफोन। टेलीफोन उठाते हैं तो उसे पीछे से आवाज आती है, कभी वारी को आप किस चीज की मारी कि तो वो जो आपने अप्लाई किया था ना एक मकान के लिए, वो गवर्नमेंट फ्री मकान दे रही थी, डिटैच हाउस था जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, उसके पास तो मकान नहीं था, बेचारा परेशान बैठा था, तो वो आपको मंजूर हो गया, आप आके कर्ज पे साइन करें, मकान ले लें, क्या हाल होगा उसका? नहीं होता है, खुशी से पागल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एक और टेलीफोन लगा दे उसको, ये फला फला आप हैं? जी मैं हूँ भाई। वो एक गाड़ी थी, एक मर्सिडीज, उसके लिए आपने कोई मुकाबला था, उस मुकाबले में आपने अपना नाम दिया था, तो आपका नाम निकला है, तो मर्सिडीज गाड़ी आप शाम तक आकर ले जाए हमारे से। गाड़ी भी आ गई, होता ये इतफाक नहीं, अल्लाह करम फरमाता है, ऐसे होता है, छप्पड़ पहाड़ के देते हैं अल्लाह ताला, फिर तो करीम जात है, क्या पता कैसे इंसान को क्या से क्या बना दे। वाकयात हैं जो दुनिया में होते हैं लोगों के साथ। मर्सिडीज गाड़ी आ गई, मकान भी आ गया, सुभानअल्लाह। तो भाई वो तो मजे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाहर निकला तो एक दोस्त मिल गया, कहते यार वो हमारे कारोबार था, उस कारोबार में आपको एक प्रॉफिट था मेरे पास, तो वो मुझे याद है कि मेरा मरना तो है ना, तो ये एक रकम है आपकी उस प्रॉफिट की, तो मैं आपको देना चाहता हूँ, तकरीबन 1 लाख करीब है पौंड। वो पौंड भी आ गया उसके पास, उसका क्या हाल हो? अच्छा, सब चीज़ें क्या आई हैं, मकान, डिटैच हाउस, मर्सिडीज गाड़ी, 1 लाख पौंड, लेकिन सब क्या है ये? कितना खुश हुआ थे, पागल हो जाएगा। लेकिन इतफाक से बेचारा दूसरे दिन बड़ी खुशी में जा रहा था, जैसे घर से निकला उसका एक्सीडेंट हो गया, मकान भी गया, गाड़ी भी गई, और सब फना है। खुशी आरजी है दोस्तों, सब चीजें आरजी है। कीमती से कीमती घड़ी, बेहतरीन से बेहतरीन मकान, खूबसूरत से खूबसूरत लिबास,
एक सेकंड में चला जाता है, एक सफ दिल की धड़कन जो है ना उसने स्टॉप होने, उस खुशी से क्या हाल होगा उस आदमी का, हमें खुशी होने लगी सुन के बाद। आप देखें दिल भाग भाव भाव यार क्या मुबारकबाद है ये, लेकिन एक दिन नहीं गुजरा था खुशी के साथ निकला था उस शख्स। और ये अवकात दुनिया में होते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है खुशी, ये क्या खुशी है भाई, ये क्या खुशी है, इस खुशी के लिए सारी जिंदगी हम लगाते हैं। जैसे इंसान की आंख बंद हुई, ना मकान नजर आया, ना कारोबार नजर आया, ना बीवी बच्चे नजर आए, खबर का अंधेरी रात है, भयानक रात है। जो हमेशा हम सारी जिंदगी का मकाम सुनते आए थे, जिसका अजाब इतना बड़ा अजाब कि जिसका तस्वर कोई नहीं कर सकता, कोई मददगार नहीं, पूछने वाला नहीं, एक ही चीज काम आएगी और वो क्या है, अमल, नमाज, बेहतरीन नमाज छोड़ी ना हो, भाग भाग के पड़ी हो, सिजदों में गिरा हो, फिक्र के साथ सोता हो, ऊपर नीचे उसके हर वक्त नमाज का घेरा हो, इतना कि जिससे अल्लाह ने घेरा है हमें, पांच वक्त जिससे घेरा डाला है अल्लाह ताला ने हमें, किस चीज पे डाला है, मुझे सिजदा करे मेरा बंदा, आएगा क्या कोने काम नहीं आएगा, वो उससे हमें गफलत करते हैं। पढ़ ली कभी पढ़ ली, कभी दिल किया तो बड़े भगते हुआ है जमात में खड़े हो गए, कभी नहीं किया कोई अफसोस नहीं कि जमात जा रही है, जरा रंज नहीं कि इतने बड़े नमाज मुझे मिल गई है कि सारी दौलतें सो कब में आप कहेंगे कि ये मकान भी, ये दुकान भी, ये कारोबार भी, अरे सब कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक नमाज दे दो कि मेरा काम बन जाए किस तरह। और अल्लाह की कसम सारी जिंदगी की नमाजें नहीं, अल्लाह कहेगा एक नमाज तो मुझे दिखा दे जो मुझे पसंद हो, फिर सारी माफ पूरी जन्नतें खोल देगा अल्लाह, है या नहीं, कितनी बड़ी बात है। तो हम क्यों पागल हो गए, हमारे दिमाग क्यों खराब हो गए कि सुबह से लेकर रात तक अल्लाह के एक हुक्म को हमने बजा लाना है, सिर्फ एक हुक्म को, इस हुक्म को पीछे ना डालें, पसे पुश ना करें, बल्कि बीमारी भी है परेशानी भी है लेकिन इतनी हिम्मत पैदा करें कि मैं आ सकता हूं, जमात को ना छोड़ें, जिस रिज़्क़ के लिए, जिस माल के लिए, जिस दौलतों के लिए, जिस घर के लिए, जिस मकान के लिए आप उस नमाज को छोड़ रहे हैं, एक ही छोड़ी ना दिन में, आपको क्या पता कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि तेरा घर बार बीवी बच्चे सब कुछ फना कर दिया तूने इस नमाज को छोड़, ये च्वाइस नहीं है हमारा कि जब दिल करे आप नमाज पे आ जाए, कपड़े पहन के सफेद हो जनाब झूमते बस नमाज पे जा रहे हैं, तो जब चाहे तो नमाज वक्त जा रहा है बैठे ना कोई परवाह नहीं, सुबह है शाम है इधर है उधर है, कितना बड़ा नुकसान कर रहा है इंसान की सारी जिंदगी, इंसान के पास अगर नमाज हो, मौत हो, कब्र हो, हश्र हो, हश्र का मैदान हो, कयामत हो, पुल सरात हो, सब जगह से जो निकालती चली जाएगी आपको नमाज नमाज नमाज, बस एक सर्टिफिकेट हमारे पास होगा, कौन है ये नमाज, चलो जी आप कौन है नमाज, चलो जी कब्र में आप कौन है नमाज, रोशन कर दो कब्र को, क्यों नहीं अकल में आती बात, ये अकल में आती है, ये मकान मेरा हो जाए, ये गाड़ी मेरी हो जाए, ये कारोबार में ले लूं, एक हर दिन हमें मौत के करीब ले रहे हैं और हर दिन हमारी ख्वाहिशात बढ़ रही है, जिसम साथ देना छोड़ देते हैं, शक्लें तब्दील होना शुरू होती हैं, उम्र के तकाजे भूल जाते हैं, लेकिन एक ख्वाहिशात इंसान की होती है कि ये कारोबार भी कर लूँ यार, इसमें भी हिस्सा डाल दूँ, उधर भी पैसा आ जाए, इधर से मैं अपना काम कुछ चला लूँ, कितनी बड़ी हिमाकत है आप सोचे। और फिर कहते हैं बड़े अक्लमंद हैं, हमसे अक्लमंद नहीं है, हमसे वाला कुछ सोचने वाला नहीं है, और अल्लाह कितना करम है आज ये पैगाम इतने जबरदस्त मौके पर अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहे हैं, आप सोचो इतने मौके पर अजीब है, इस वक्त हम वादा करेंगे अल्लाह ताला हम आपसे वादा करते हैं कि शब जुम्मा है, आशूरा है, बड़ा दिन है, पसंदीदा महीना है और इनामात के पुरछार हैं सब तेरे, अभी बाकी है दिन, दिन खत्म होने वाले से अभी वक्त है, कितनी बड़ी मिसाल है इस दिन के अंदर, इसी टाइम पे आली मकाम इमाम हुसैन ने अपना सर कटाया था और लेकिन
सिजदा नहीं छोड़ा था, सिजदा नहीं छोड़ा था। आखिरी पैगाम, जो आखिरी पैगाम नाना ने दिया था ना, नाना ने क्या पैगाम दिया था? नमाज नमाज नमाज। उसी मैसेज को नवासे रसूल ने आराम की हालत में नहीं, बीमारी की हालत में नहीं, खाने पीने की हालत में नहीं, ऐसी हालत में कि लफ्ज है ही नहीं उसको बयान करने के लिए कि किस हालत के अंदर आकर एक सिजदे की इजाजत मांगी और सिजदा किया। बताया कि हम अहले बैत ने जी बताया, मिसाल देके बताई बात, घराने से बताई बात, जो मैसेज मेरे नाना ने दिया था आखिरी वक्त जाते हुए, नमाज नमाज सलास नमाज नमाज, तो मैंने करके बताया कि फिर हम सुनने वाले नहीं है बल्कि हम अमल करने वाले लोग हैं। अल्लाह के नजदीक वो महबूब है। आज हम पैगाम सुन रहे हैं तो सुन के बाद वापस नहीं जाना, हमने वादा करके जाना है मस्जिद में कि यार तौफीक तू मुझे दे, इस चीज की ताकत तू दे, मेरा दिल ने आज इसको कबूल कर लिया है कि सबसे बड़ा मेरी जिंदगी का नुकसान जो दुनिया में आखिरत में कब्र में हश्र में जो सबसे बड़ा मेरा नुकसान होगा वो होगा कि जो नमाज मैंने जमात के बगैर छोड़ी। तौफीक होगी, ताकत दी होगी, पेट में खाना होगा, सेहत दी होगी, दुनिया इस वक्त कोरोना से मरी होगी, कोई ससुराल में होगा, किसी को कोई मर्ज होगा, लेकिन तुझे वो सेहत दी होगी, सब कुछ दिया होगा, हमें तेरी नमाज अदा करने नहीं आता था, इतना बड़ा नाशुक्र था। तो है गुंजाइश भाई आखिरत में उसकी, आप समझते मुझे ही शर्म आ जाती है आदमी को, जिस सब सुबह से शाम तक चुरा मुझे दे रहा, मैं क्यों अस्पताल में चला गया, मेरा क्यों सांस बंद हो गया, मुझे किसे लाने यहां बिठा दिया, मुझे किसे खाना अभी खिला देगा, मुझे अमल की तौफीक कैसे दे देगा, मुझे क्यों ने एकदम बुखार चढ़ गया तेज, मुझे क्यों ने बीमारी के हालत में ले जाया गया, मैं जवान जवान उठते जा रहे हैं लोग इस वक्त, अभी कल हाथ मिलाते हैं तो परसों हाथ मौजूद नहीं होता है, तूने मुझे फिर मुझे चांस दे दिया, कितने बड़े एहसानात हैं अल्लाह ताला के, इन तमाम एहसानात के बावजूद भी अल्लाह के इस हुक्म को ना माने जो अल्लाह के नबी ने इंपॉर्टेंस बताई, अहले बैत ने उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि गर्दन कट सकती है, बच्चे लुट सकते हैं, प्यास आ सकती है, बोला नबलवन्नकुम बिशय्यिन खौफी वल जुअ नक्सल अमवाल, हर तरीके से अल्लाह आजमाएगा, हम इतना आजमाऊंगा, तुम टेस्ट पर हो और हर आजमाइश तुम्हारी मुसीबत नहीं होगी बल्कि हर आजमाइश के बाद अगर तुम मेरे हुक्म के मुताबिक रहे तो मैं तुम्हें बुलंद करूंगा। भूख भी है, प्यास भी है, परेशानी भी है, मुसीबत भी है, सब कुछ है आपके पास, तो समझ जाए ये अल्लाह के तरफ बुलंदी दर्जात सुनवा रहे हैं। कोई ऐसी मुझे चीज दिखा दें इमाम हुसैन की उस वक्त आसाइश की मौजूद थी, कोई दिखा दे, एक जर्रा भी नहीं था, लेकिन हुक्म ने रब को नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, कितने दर्जात आप मुझे बताएं, यही कुरान आपको बताता है कि मैं तुम्हें जब आजमाऊं, बीमार हो, परेशान हो, रिज़्क ना हो, तंग दस्ती हो, देने वाला तेरा रब है, घबराना नहीं, एक काम को ना छोड़ना जो मेरा एक हुक्म है, और वो हुक्म क्या मैंने तुम्हें दिया है, अस्सलाम। हम तो बच्चों को देखते हैं नमाज छोड़ रहे, घरों में देखते हैं नमाज छोड़ रहे, बीवियों को देखते हैं नमाज छोड़ रहे, बच्चों को देखते हैं नमाज छोड़ रहे, लेकिन ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते कि वो काम पे ना जाए, ये बर्दाश्त नहीं सकते कि मेरा बच्चा नौकरी पे ना जाए, मेरी बच्ची काम ना करे, घर में कोई खाली बैठ जाए, ये बर्दाश्त है ही नहीं हमें, इसका तो तस्वुर ही कोई नहीं, आप ही नहीं बैठ सकते, आपकी बीवी आपको कहे जा काम पे क्यों नहीं जा रहा, बिल देने तुम दो दिन हो गए काम पे नहीं जा रहे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह की नमाज को तो छोड़ रहा है, मुस्टंडे खा पी के तू सो रहा, खराटे मारा फजर पे नहीं जा रहा, सुबह बेशरम हया नहीं आ रही, तू अपने अपनी मर्जी से तू चल रहा है, जिसका खाता है उसी के गिनगिनाता है, उसी के सामने तू खड़ा है, तेरी हैसियत क्या है, एक जरासीम तू उसका मुकाबला नहीं कर सका, इनविजिबल जरासीम करोड़ों जो कहते हैं उसके आगे तू हाथ बांध के खड़ा है, जब चाहे तुझे लंबा कर दे, वो अल्लाह की जात ने तुझे खड़ा किया हुआ है, ये तस्वर क्या करें नमाज छोड़ते, अल्लाह की इस हुक्म को टाल रहा, तू नमाज को छोड़ रहा है, सिजदे को छोड़ रहा है, इससे बड़ी कोई हमाकत है इंसान के लिए,
एक घर में झगड़ाओ, बच्चों से एक झगड़ाओ, किसी और चीज में ना हो झगड़ाओ, तो सिर्फ एक बात पे कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाता खाना, तो नमाज क्यों नहीं पढ़े बीवी से पढ़े, बच्चे से मुझे कोई तरह से दुश्मनी नहीं है, एक दुश्मनी तो नमाज क्यों नहीं पढ़ता, क्यों कि इसका अजाब तो सब पर लेकर आ रहा है, पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी, पूरा घर तबाह हो जाएगा, अल्लाह की नाराजगी का कोई तस्वर नहीं कर सकता इंसान के नमाज छोड़ने के बाद जो होता है। लेकिन बोला न बुलवन को एक आजमाइश पर हम है, अल्लाह ताला फौरन किसी को अजाब नहीं देता, बड़ा करीम है, वो ढील देता है कि शायद आज का बात सुन के बदल जाए, आज की तकरीर सुन के बदल जाए, आज की तालीम जमात आई उसकी तालीम से शायद उसकी जिंदगी बदल जाए, बैठते हैं सुनते हैं तालीम में आते हैं, जिंदगी को नहीं बदलते अपने दोस्त। ये मजलिस बैठी हमारी, देखें कितनी बड़ी मजलिस है, कितनी बड़ी मजलिस है। मैंने तो यही कहा था ना आपको, कभी मकान मिले तो नशे आ गए तुम सबको, तो अब मैं आपको बताता हूं उन चीजों के बारे में, ये चीज तो अल्लाह ही देता है जिसको अल्लाह देगा। आप सोचें इस इनाम को सोचें जो अल्लाह हमारे कानों में डाल रहे हैं, कि इसमें मस्ती आती है नहीं आती, कि हो मुहर्रम का महीना, बोले सुभान अल्लाह, कौन सा महीना, हुर्मत का महीना, जबरदस्त महीना, फजाइल का महीना, इसमें एक रोजा रखने का सवाब 30 दिन रोजों का सवाब, गुनाहों का सवाब, कफारे का सवाब, सालों के सवाब इस महीने में रोजा रखने के, इसको कहते हैं मुहर्रम का महीना, वो हो हमारे पास, वो हमें अल्लाह दे, फिर उसके अंदर से वो दिन अता फरमा दे जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाए कि सारे दिन जितने दिनों में सबसे अफजल दिन आशूरे का दिन है, वो दिन भी हमारे पास हो, उन्हें सुभान अल्लाह। और ये वही है कि भाई ये मकान भी तेरा, ये गाड़ी भी तेरी, उधर नशा करा था दुनिया थी, इधर देखता हूं कितना नशा आता है, हमें मुहर्रम दे दिया, आशूरे का दिन दे दिया, सुभान अल्लाह, दो चीजें दे दी अल्लाह ताला ने। फिर फरमाया कि सबसे ज्यादा नमाज में जिसका कुरान में आता है नमाज है वुस्ता, उसके पकड़ो, सुभान अल्लाह, कौन सी नमाज वुस्ता, कौन सी है नमाज है असर, बोले सुभान अल्लाह, वो दे दी, देख कैसे बिठा दी, किस तरह दिया, तो सुबह की गई नहीं है जमात में, जोर की नमाज में हम नहीं आए, लेकिन कौन सी नमाज दे दी, वुस्ता की दे दी, आ गया ना लॉटरी, मर्सिडीज आ गई, मकान आ गया, अब मिसाल समझ आ रही है आपको मेरी, है ना, जो अल्लाह वाला होगा ना जिसका दिल आखिरत की तरफ होगा वो तो अल्हम्दुलिल्लाह झूमता चला जाएगा कि ये मुझे इनाम मिल गया, मुहर्रम अता फरमाया, तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अशुदा अता फरमाया, और फिर वक्त असर अता फरमाया, वक्त असर अता फरमा दिया अल्लाह ताला, इतना बड़ा वक्त मुझे अता फरमा दिया। और फिर यहां कोई हम दावत करने बैठे भाइयों, दावत खाने बैठे वलीमे पे है, अच्छा कहीं बाहर खड़े नहीं, बिठाए भी कहा, जो दुनिया आसमान में जो सबसे ज्यादा अल्लाह को चीज पसंद है इस दुनिया में वो क्या है, अल्लाह का घर, इससे बड़ी पसंदीदा ये शेल्टर है अल्लाह, ये शेल्टर अजाबों का यहां तो तस्वर भी ना अजाबों का किसी चीज का भी, ये पसंदीदा जगह है सबसे ज्यादा दुनिया की अल्लाह ताला की, जब इंसान मस्जिद में पहुंच जाता है वही पहुंचता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, मर्सिडीज उसको मिली है जिसके लॉटरी में नाम आया था, मकान उसको मिला है, वो यहां सब हमें कदर नहीं, हम तो खुद आए नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, बहुत से नमाजियों को देखता हूं बेचारे नहीं आ रहे, सफ में होते थे अफजल, बैठते थे अजान भी देते थे और गायब है नहीं आ रहे, हमें ढील है, अल्लाह का फजल है कि ऐसे मौके पर ऐसे महीने में हमें मस्जिद में बिठा दिया, तीसरा इनाम चौथा इनाम सुने यार, बिठाने के बाद खाली नहीं बिठाया, अल्लाह खाली नहीं बिठाया, बल्कि क्या क्या दे रहे हैं इस वक्त, ऐलान क्या किया मौलाना साहब ने इस वक्त क्या होगा अल्लाह का, सुनिए आप जामे असूल की एक हदीस सुनाऊंगा, हदीस तो बहुत है, इस वक्त कौन समझ दिया नमाज के बाद पुस्तक के अंदर, एक साहबी आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीब सवाल, साहबियों के सवाल अजीब होते थे,
जिंदगी को बदल देने वाले सवाल, सादे सवाल, वो लंबे चौड़े सवाल में, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल आ रहा है जहन में मुझे, पता नहीं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका मफहूम हदीस का। फरमाओ, कहते या रसूल सल्लल्लाहु, देखें अजीब चीज जहन, देखें आप उनका, कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अफजल, भी सुन ले हदीस, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अफजल और कयामत में सबसे ज्यादा बुलंद दर्जात कर देने वाला पसंदीदा इबादत कौन सी है ताकि मैं कर लू। ख्वाहिश किसकी है? सहाबी की, सहाबे रसूल की, जिसके मुकाबले कायनात में कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता। मुकाबला क्या है? उसके खाक दर खाक भी कोई नहीं पैदा हो सकता। होश कुतब जितने भी जमा हो जाए आदमी, उसकी खाक तक भी नहीं पहुंच सकता। ख्वाहिश उसकी है। और बताने वाले कौन है? इमामुल अंबिया, कि जिनकी जबान से लफ्ज निकल जाए मुस्बत बन जाता है काम, हो गया ना, कि गुंजाइश ही नहीं मारे थे। काम किसका बन गया? अक्लमंद लोगों का, क्यामत तक के लिए जो अक्लमंद बाशऊर लोग होंगे उनकी जिंदगियों के लिए, उनकी पुश्तों के लिए, उनके खानदानों के लिए एक कितना बड़ा इनाम आ रहा है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा जाम रसूल की हदीस आप पढ़ लें, ये वल्लाह ही चलते चलते जहन हदीस आ गई, ये भी नहीं चुन लिया हदीस मैंने। देन है अल्लाह ताला की, ऐसे देते हैं मर्सिडीज भी, गाड़ियां भी। मैं तो झूम गया पड़ गया हदीस सलाम दे, मैं कह यार मैं अभी मैं जाऊं साथियों को बताऊं ये बात। मैं ये हदीस है आज की इस मजलिस का गुफ्तगू जो मैं आपसे बता रहा हूं, कि अकलमंद लोगों के लिए काम बन गया कि सबसे अफजल अल्लाह के नजदीक अमल। और कितने अमल हम करते हैं मुझे बताया, अमलों की कमी है भाइयों? कोई अमाल की कमी है? इबादत की कमी है हमारे पास? एक मिनट में क्या चुना कि अफजल बताया हमें, तो अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल। और दूसरा कहां ख्याल गया उनका? क्यामत के रोज, कि क्यामत के रोज अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुलंद दर्जात वाला हो, जहां दर्जात मिलेंगे तो उस अमल करने वाले को सबसे बुलंद दर्जे मिल रहे हो। बुलंद सुबान अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के देखा साहब, तू भी अजीब सवाल पूछने वाला है, तो फिर सुन इसका जवाब। एक दो लफ्जों में जवाब दिया इसका अल्लाह के नबी ने, मैं साहबी तेरे सवाल का जवाब ये है, फिर बोल। कहते हैं सबसे अफजल रोजे क़यामत में सबसे ज्यादा दर्जात को बुलंद कर देने वाला वो मुझे इबादत बता दे, मैं शुरू करूं। फिर मैं अल्लाह का जिक्र, कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। इतनी बड़ी चीज है अल्लाह का जिक्र, अफजल तरीन और क़यामत में सबसे ज्यादा दर्जों को बुलंद कर देने वाली चीज क्या है? अल्लाह का जिक्र। ये किसका इनाम है? आखिरत का। दुनिया के नाम क्या था? मकान, डिटैच हाउस, मर्सिडीज, उधर खुशी, इधर क्या है? कितनी खुशी। ये कौन दे रहा है? अल्लाह अपने अपने बंदों को दे रहा है सुभान। वो तो गैरों को भी देता है जो मिला था, वो तो कुत्ते बिल्लियों को भी देता है, नापाकों में देता है, बदबू वाले लोगों को देता है, उसमें क्या कमाल था? ये किसको देता है? सिर्फ अपने महबूबीन को देता है। जिसके पास ये अमल है, समझाए अल्लाह का बेहतरीन महबूब बंदा है जो ये अमल कर रहा है। इसको काबिल सताइश इंसान, उसके पास मर्सिडीज नहीं, उसके मकान नहीं, उसके कुछ नहीं, लेकिन ये वो अमल कर रहा है जिसके लिए अल्लाह ताला ने यह ऐलान फरमाया है कि इस वक्त अल्लाह के जिक्र में महब है। तो वो अमल मुहर्रम बेहतरीन, सबसे आशूरा सबसे अफजल दिन, जगह सबसे अफजल, और अमल सबसे बेहतर किसको मिल रहा है? मुझे और आपको मिल रहा है। अब इसकी अब आप सोचें कि हमसे मुकाबले कोई बड़ा होगा खुशकिस्मत है? मैं तो कहता हूं है ही नहीं हुए जमीन पे कोई जिसके झोली में अल्लाह पाक ने इतने इनाम डाल दिए।
तो बख्शिश नहीं हमारी, अल्लाह हमसे राजी नहीं, अल्लाह के हम महबूब बंदे नहीं, मुझे बताइए। तो मेरे भाइयों इन चीजों की कदर करें। इतना आसान अल्लाह ने अमीन हमें बताया। कुरान की तिलावतें करें, जिक्र भी करें, नमाज बिनतहा पढ़ें, जिक्र भी करें, हज खूब पढ़ें, जिक्र भी करें, रमजान के रोजे भी रखें, जिक्र भी करें, दावत तबलीग भी करें, जिक्र भी करें, जिक्र को ना छोड़ें। जैसे आप कहते हैं ना, बिरयानी खाओ पानी भी पी ले यार, पराठा खाओ पानी भी पी ले यार, भुना रोस्ट खाओ पानी भी पी ले यार, हर डिश के साथ पानी जरूर होगा, होता ही नहीं होता। मुझे कोई ऐसा दावत आपकी हो कि जिसमें पानी, तो लोग कहें यार कैसी दावत दी है, ना कोई पेप्सी रखा है, ना पता नहीं ड्रिंक तो पीते नहीं, पता नहीं क्या क्या नाम है, तो ये मैं तो पानी सादा पीता हूँ, इसलिए मुझे पानी का बता। बोतलें रखी होती हैं तो आदमी बड़े नाराज होते हैं भाई, सबसे पहले बोतलें आती हैं स्टेज पर, फिर खाना आता है, पानी को देखते हैं। तो कोई खाना ऐसा नहीं, कोई दावत ऐसी नहीं जिसमें पानी ना हो। तो अल्लाह ताला कहता है कोई मेरी इबादत ऐसी नहीं जिसमें जिक्र ना हो। मैं कैसी दुनिया में दावत दे दूंगा, नमाज मेरी दावत, तबलीग मेरी दावत, तालीम मेरी दावत, हदीसें मेरी दावत, वाइज मेरी दावत, हर चीज ये मेरी दावत के दस्तखान फैले हुए, तो लेकिन मैं बगैर पानी की दावत कैसे कर दूं। हर दावत के साथ लाजिम अल्लाह ताला मशरूब रखा है इसने, वो मशरूब क्या है, वो शरबत क्या है, जिक्र अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। तो दो चीजें आज की मजलिस में मुझे तो बड़ी समझ आई है, मैं तो अक्लमंद आदमी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे अकल दे दिया कि दो चीजें नहीं छोड़ने दोस्त। अरे हमें इतनी ताकतें कहें, आप तहज्जुदें पढ़े, वो पढ़े, ये नमाज पढ़े, भाई इतनी ताकत नहीं हमारे में रही। शॉर्टकट मारे, दो इंपॉर्टेंट चीज पकड़ लें दुनिया और आखिरत में, याद रखें। आम आदमी नहीं, बुलंद दर्जे अल्लाह ने वादा किया है जन्नत में दूंगा, ऐसे दूंगा कि रोजे कयामत में लोग अपने अपने हिसाबों में फंसे होंगे, लेकिन एक नजर पड़ेगी तो देखेंगे लोग चौदहवीं की चांद की तरह चमक रहे हैं, नूर के मिंबरों पर बैठे हुए हैं, मस्त हैं, सारी दुनिया देखी ये कौन लोग आ गए, ये कौन है। लेकिन मैंने वादा नहीं किया था, मस्जिद में तुमने जिक्रिया में एक दरवेश की बात नहीं सुनी थी, उसने ऐलान नहीं किया था, आशूरे के वक्त ऐलान नहीं किया था उसने, तुम सो सब लोग रोजों में बैठे हुए थे, उसने ऐलान सुनाया था कि मैंने करवाया था ये आशूरे का इनाम, मैं देना चाहता था तुमको। अब वो इनाम क्या था जिससे इनको बुलंद दर्जात हैं, इनके नूर पे बैठे हुए हैं, इस वक्त हिसाब किताब से भी फारिग हैं, क्या किया था इन्होंने, ना नबी है ना वली है ना है, कौन लोग अल्लाह ताला, इन्होंने उस ऐलान को फॉलो किया था, दो चीजों को पकड़ लिया था, दो ऐलान हुए, मेरी नमाज बा जमात और जिक्र अल्लाह। मैं तो भाई ये दो चीजें पकड़ता हूं बस, पकड़ते हो या नहीं, या सुन नहीं है, सिर्फ दिलों में नियत कर लें कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश कि नमाज बा जमात बोले आपको बोला नबलून भी शायद मेरे लकौफी पर जुए, भूख नंग से मुराद क्या की कारोबार ये वो चीजें, कहते नहीं भाई नमाज तो पढ़ लिया, नमाज मैंने छोड़ सकता। मैं कसम खा कहता हूं इस वक्त आपको, जिसने ये नियत करके डरा नहीं कि भाई मेरी इस काम की वजह से नमाज छूट जाएगी, मेरी इस वजह से नमाज छूट जाएगी, मेरी जिंदगी के तजर्बे की बात कर रहा हूं, अगर आपने ये सौदा अल्लाह से कर लिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपका कोई काम भी हो आपकी नमाज जमा से नहीं छोड़ेगा, नहीं छूटेगी। लेकिन शैतान इतना डरा देता है कि तूने वादा कर लिया तू कल कैसे करेगा, तेरा काम तो ऐसा है, तू बड़ा है शैतान बड़ा है, और शैतान बड़ा है या रहमान बड़ा है, करते हैं वादा दिल में कि भागते हुए जमात कर चाने की पूरी। और एक चीज देखिए, एक चीज कि ये भी अंदर एक चीज पैदा हो जाएगी आप, कि अब तो हमें अंदर चीज पैदा नहीं है, जब आए उठ के चले गए नमाज छोड़ी तो परवाह नहीं, या पढ़ तो लिया ना घर में, या फला जगह पढ़ तो लिया नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिर एक अगर जमात से नमाज छूटेगी तो इतना अफसोस होगा अंदर, इतना रोना आएगा, इतना मलामत करेगा यार क्या हो गया आज, दिन मेरा बेकार हो गया,
आज फजर की जमात में जमात से नहीं पढ़ सका। जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी तो अल्लाह ऐलान करता है कि फिर मैं जानता हूं तेरे एक्सक्यूज को, तू नहीं जा सकेगा, तू पछता रहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा नमाजों का सवाब तुझे अता फरमा दूंगा। बस जमात में मैंने सुबह और क्या चाहिए, दो काम कर ले अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहे, नमाज को ना छोड़ना, और जहां जिक्र की मस्जिद आप देखें बैठ जाए चुप करें। किसी इंसान की मजलिस नहीं होती, वो किसी पीर साहब की नहीं है, किसी हजरत साहब की नहीं है, वो तो एक चलता हुआ समंदर है, उस समंदर में जाए और डूब जाए। हमें किसी से ताल्लुक नहीं, कौन करा रहा है, किसने करा है, कौन पीर साहब है, कौन हजरत साहब, नहीं, जिक्र अल्लाह। जैसे आप देखते ना यार यहाँ तो तकसीम हो रही है, क्या हो रहा है यार, यार यहाँ तो पैसे मिल रहे, पैसे आप नहीं देखें कौन दे रहे हैं, क्या नहीं है, कौन से बैंक हैं, कितने नोट हैं, खड़ा हो जाएंगे, पैसे आ रहे हैं आने दें, पैसे आ जाएंगे उसके बाद पूछेंगे यार किसने दिए थे पैसे, क्या सिस्टम था। क्योंकि वो चीज आदमी हासिल करता है जिसकी लालच होती है। इस सब जिक्र अल्लाह की कहीं मस्जिद देखें, पता चले जिक्र चुप करके बैठ जाए, और जो कलमात वो पढ़ रहा है आप भी पढ़ते रहे, आप क्या लेना देना किसी से, क्योंकि जिक्र की मस्जिद मेरे लिए कायम हुई थी, क्यों मैं जाकर छोड़ू इसको, अल्लाह मुझे देना चाहता था। करेंगे मेहनत भाई इन दो चीजों पर, बस पकड़ लेंगे इसको, नमाज को कभी नहीं छोड़ना और जिक्र अल्लाह को भी नहीं छोड़ना। अल्लाह ताक जो सुख सुना अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मैं भी अमल करूं इस पर पक्के तरीके से, और एक दूसरे धक्का भी मारे हैं कुछ देखें सुस्ती कर रहा है, तो यार तुमने सुना था शुरू वाले दिन सुस्ती क्यों कर रहे नमाज से, चलो उठ नमाज पढ़ो, इस दावत देने में शर्माए ना बिल्कुल भी, इन दो चीजों की दावत देने में कभी ना शर्माना, दावत देने वाला की बुलंद हो जाते हैं दर्जे। नमाज की दावत यार क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कोई नाराज होता है होए घर में ऐलान करके आए कि चलो भाई नमाज पढ़ो, सब ये करो, जितनी ताकत है आप में खबरदार बैठे रहते हो तू ही नमाज पढ़ते है, धमका दुखा दे के और आप भागते हो नमाज की तरफ आ जाए, अल्लाह सबको नमाजी बना देगा, दर्द दिल के वास्ते अल्लाह ने दर्द पैदा हो जाए ना इंसान के अंदर, तो हर चीज अल्लाह उसकी मर्जी के मुताबिक शुरू कर देता है। कर आपकी घरवाले नमाजी हो जाएंगे, बच्चे नमाजी हो जाएंगे, सब नमाजी हो जाएंगे, अल्लाह ताला सोने के लिए आएगा पूरे घरों के अंदर जिंदगी के अंदर। और दूसरा जिक्र अल्लाह, जहां मिल जाए जिक्र की मस्जिद फौरन पहुंचे बैठ से अल्लाह का जिक्र है। अब तो ये आपके घर है, यहां तो जिक्र होता है, समुद्र तो बिल्कुल आपके घरों के आगे से बह रहा है, सुबह शाम बह रहा है, सुबह शाम क्या बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त बह रहा होते हैं जिक्र, जिसको देखे आंख बंद करेगा और जिक्र भी कोई ये नहीं आप डिस्टर्ब करेगा, कल भी जिक्र जो सबसे अफजल जिक्र वो दिया जा रहा है आज आपको, इतना बड़ा जिक्र है कि जो हम जबान से करते हैं इसके मुकाबले दिल से जिक्र जो हम करते हैं वो दिल से जिक्र करते हैं, कल भी जिक्र इसका मुकाम इतना बुलंद है कि जब सारे आमाल नामे आपके दे दिए जाएंगे, खत्म दिया जाएगा, अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा कि ये अच्छे काम इसने किए हैं, तो अल्लाह ताला से पूछेंगे अच्छा ये बता फिर हो गया पूरा, कहते सारा काम हो गया पूरा, कहते अभी पूरा नहीं हो, कहते हमने सब काम, ये हदीस है कि मैं हमने जी सबको जो आपने ताकत दी थी हमने सबको पहुंचा दिया है कि ये सारे नेक अमाल, कहते नहीं एक नेक तो तुमने दी नहीं जिससे इसका काम बनना है, मैंने सुभानअल्लाह, तो जिस नेक से इसका काम बनना है वो तो तुमने दी नहीं, क्योंकि सारी नेक तो तोलूंगा मैं अभी, इखलास पे तोलूंगा, मिजान पे चढ़ाऊंगा, अगर उस मियार पे उतरेंगे तो फिर इसका सवाब दूंगा, लेकिन वो एक नेकी ऐसी है कि उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, अपने पास मैंने रखी हुई है उस बान, ये अल्लाह हमारे पास तो नहीं है कि तुम उस नेकी को समझ ही नहीं सकते, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि फस कुरुनियस कुरुकुम सुबहान अल्लाह, तुम्हारे कुरान में कह देते कि जैसे तो वो नेकी करेगा वो नेकी मेरे पास आएगी, फरिश्तों के पास भी नहीं जाएगी। ये अल्लाह कौन सी नेकी है, वो नेकी ये है कि जब बंदा दिल के अंदर मुझे याद करता था, आता है आपको दिल में याद करना, तो मैं क्या सिखाता हूं आपको, गोश्त काटना सिखाता हूं या मिठाई बनाना सिखाता हूं, यही सिखा रहा हूं, कितने साल हो गए बोल्टन में आए, मुझे 20 साल तो हो गए, 25 साल हो गए, 25 साल से यही सिखा रहा हूं कि आओ दिल का जिक्र सीखो, आने वाले आ गया दिल के जिक्र में मस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रहे हैं, काज भी कर रहे हैं, किसी जगह कोई नौकरी, कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कुछ केमिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन दिल उनके जारी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पूछेगा नहीं
एक दरवेश मैंने भेजा था, कहां का रहने वाला था, घर छोड़ के, दुकान छोड़ के, बीवी छोड़ के, मस्जिद छोड़ के, खानकाओं को छोड़ के तुम्हारी बस्ती में आया था, 20 साल तक बैठा रहा, तुम उसे मस्जिद से निकालते रहे, उस पर पाबंदी मारते रहे, वो तो मैंने भेजा था, सब कुछ छोड़ के आया था, उसका बेहतरीन मकान था, बेहतरीन दुकानें थी, बेहतरीन उसका मदरसा चलता था खानकाह के अंदर, 150 बच्चा पढ़ता था हर साल, 10 यहां से जाते थे पढ़ाने के लिए, बैठे यहां पे मदरसे बैठे हैं, हमारे मदरसे में जाते थे लोग पढ़ाने के लिए, यहां क्यों ग्राम मेरी खानकाह में पढ़ाते थे जाकर। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म, एक रात में सब कुछ छोड़ दिया, ना घर था ना दौलत थी कुछ नहीं, यहां मकान तलाश करता फिरता, भाई मुझे मकान तो मैं आ गया, कौन आ गया, किसके लिए मकान मांग रहा है, फूक कुछ भी नहीं था मेरे पास, अल्लाह ने भेजा, क्योंकि जा इस बस्ती में लोगों के दिलों को जिंदा कर। बताओ कल पूछेगा नहीं आपसे कि इस मस्जिद के अंदर आया, उस मस्जिद में गया, उस मस्जिद में गया, इस मस्जिद में गया, तुमने इससे फायदा उठाया, अपने दिलों को जिंदा किया, और दिलों को जिंदा करने का मतलब कि जिस जमीन पे बैठ के कोई दिल के साथ जिक्र करता है तो 7 जमीनें वहां जिंदा हो जाती हैं, जमीन बैठ के। तो मुफस्सिर ने लिखा है कि 7 पुश्तों तक वो जिक्र जाएगा और तुमने जिक्र सीखा तो तुम्हारी औलादों को तक पहुंचा दिया जाएगा जिक्र। यही होता था जब नबी आते थे ना, ऐलान करते थे तो लोग भाग जाते थे। हजरत यूनुस ने 950 साल तक ऐलान किया, लोग नहीं आते थे। आज वो नजर आता है कि अल्लाह ताला किसी लोगों जब कहतुल रिजाल हो गया, जब अच्छे पैगाम के साथ दुनिया में कोई इंसान पहुंचता है तो दुनिया उसको इनकार करती है, उस पर एतराज करती है। बड़े मुश्किल से लोग आते हैं, 25 साल मेहनत करने के बाद ये चंद इंसान है जो जिक्र करने के लिए बैठते हैं। अफसोस की बात नहीं दोस्तों, और अमल कितना बड़ा है। मैंने एक हदीस सुनाई है आपको, अभी तो हदीस अंबार है इसके अंदर। जिक्र आपको किसी चीज से रोकता है? तिलावत कुरान से रोकता है, रमजान से रोकता है, तबलीग से रोकता है, तालीम से रोकता है? ये तो अल्लाह ने कहा ही, कहां रोकेगा, ये तो बढ़ाता है, तो बढ़ाता है। तुम्हारा काम ये कि अपने काम से फारिग हो, जब वो समुंदर चला उसमें गोता मारो, वो तो चलता रहेगा, जब प्यास लेके पी लो। तलावत की कुरान की आपने देखा जिक्र जारी है, थोड़ी देर वहां बैठ जाओ। सुभान अल्लाह कहते हैं मैं कदर करने वालों को देता हूं, बहुत कौन हिसाब होगा मेरा आपका साथ कितनी देर, क्या मुझे क्या पता कब तक बॉर्डर में रहूं। मैं तो हर वक्त अपना सामान पैक करके रखता हूं, जब हुक्म आए फिर चल पड़े। ये तो मेरा 5वीं हिजरत है, 5वीं हिजरत है, मैं तो हिजरत ही करता फिर रहा हूं। जब तक अल्लाह रखेगा फिर यहां सामान बांधेंगे, रातों रात फिर गायब हो जाएंगे। सीखेंगे जिक्र, दिल का जिक्र सीखेंगे, कौन रोकता है? ये मैं फला काम करता हूं, जो चाहे करें, जिक्र से अपने कल्ब को जिंदा कर लें। और एक दिल तो नहीं है मेरे पास, तो पूरे जिस्म के लिए आपके इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे जिस्म को ना नूरानी कर दूं तो फिर बोलें आप, हिम्मत नियत आप करें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जिस्म आपका नूर से भर जाए, आपके किसी काम में रुकावट नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। ये आशूरे का पैगाम था, आपकी खिदमत पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे। अब 4-5 इनाम तो हो गए, अब आखिरी इनाम की चेक करते हैं, वो कौन सा? जिक्र अल्लाह। हाय अल्लाह को जिक्र, मस्त होकर याद करें अल्लाह को, हम अल्लाह को याद करें, अल्लाह हमें याद करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो व सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन, शफीउल मुस्लिमीन, तहा यासीन नबी, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद اس پورے مجمعے کی بخشش فرما دے یا اللہ، اس پوری بستی کی بخشش فرما دے یا اللہ، پوری امت کی بخشش فرما دے یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، رزق میں برکت نصیب فرما یا میرے مولا، ہمارے کاموں کو آسان فرما دیں، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشانی کو پریشانی دور فرما۔ ایک خاتون بہت سخت بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، کینسر کی مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے آج کی ہماری مجلس کو قبول فرما، جو کہا ہم نے میرا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما،
یا اللہ تو اپنی رحمتوں سفارشوں سے ہمیں نواز دے میرے مولا, آج کی اس وقت مجلس کے طفیل سے ہم سب کی بخشش فرما دے, ہمارے خاندان والوں کی بخشش فرما دے, ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے, اے میرے مولا جتنی ہمارے رشتے دار جاننے والے سب کی بخشش فرما دے, یا میرے مولا بار بار ہمیں مجالس ذکر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.